हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। तो इसमें विद्यार्थी आज पहला टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत विद्यार्थी किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंतर्गत किसी कोण पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है और उसका पथ पाथा प्रोजेक्टाइल कहलाता है और ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये देखा जाए यहां पे इसका डिफिनेशन। इफ एनी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर विच एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान दें तो ऐसे पार्टिकल पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करना चाहिए, अदर कोई फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, तब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक दूसरा डिफिनेशन भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज थ्रोन एंड नॉट सेल्फ प्रोपेल्ड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे विद्यार्थी हम हाथ में कबूतर लिए हों और उसको छोड़ दें तो वो अपनी बदौलत फिर उड़ने लगता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। एरोप्लेन, एरोप्लेन ये फिर इंजन इसका वर्क करने लगता है, ये अपनी बदौलत उड़ने लगता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ध्यान दें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो एंगल बताया गया विद्यार्थी वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। इस एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। अब उसमें वन डायमेंशनल मोशन भी शामिल है और टू डायमेंशनल मोशन के लिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ही है। ध्यान दिया जाए 1D में एक किसी ऑब्जेक्ट को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंतर्गत मोशन करता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। ध्यान दे तो 1D क्या है, 1D है जब केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में चेंजिंग होता है तो वन डायमेंशनल मोशन होता है, और अगर 90 के अतिरिक्त किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है ऑब्जेक्ट को तो वहां पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में एक साथ चेंजिंग हो रहा है तो यहां पे ये टू डायमेंशनल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, स्पीड एट सेम वर्टिकल लेवल इज सेम। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब यहां प्रोजेक्ट किया गया है तो सेम वर्टिकल लेवल पर, देखिए सेम वर्टिकल लेवल पर उनका स्पीड क्या होता है, सेम होता है। यहां पर देख लिया जाए ये सेम वर्टिकल लेवल है, सेम वर्टिकल लेवल पर वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। तो मैक्सिमम हाइट पर विद्यार्थी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। यहां पे देखें जब किसी ऑब्जेक्ट को यहां से आप ऊपर फेंके होंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर जाने की कोई कोशिश नहीं रह जाता, इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर छोड़े होंगे तब भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जो केवल अकेला होगा, हाईएस्ट पॉइंट वो है, तो वहां पे क्या होता है, ऊपर जाने की कोई कोशिश नहीं रह जाती, इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान दिया जाए, देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो नेग्लेक्टेड एयर रेजिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कोई इसमें नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ना होने के कारण आगे देखिए देयरफॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पे देखिए ux इक्वल टू यू कॉस थीटा और फाइनल भी ux इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा है। ये चीज है आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा है 2u sin थीटा। तो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो जो चेंज होता है वो केवल वर्टिकल वेलोसिटी में हुआ। ध्यान दे यू साइन थीटा यहां पे क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो यहां पे देखिए थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा हुआ। अब आगे जिस एंगल से यहां से चला था उसी एंगल पे वहां फिर हिट करेगा, तो ये थीटा है तो ये बाहर वाला भी ये क्या होगा, थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वर्टिकल वाला हो जाएगा यू साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 2u sin थीटा।
चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 2u sin थीटा। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, बस मास से इसमें प्रोडक्ट करना है, तो 2mu sin थीटा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना चाहिए विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए।